हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अटैक द गेम। जब दो साइड हमारे पास गेम चेस खेलते हैं जब, तो दो टाइप के अटैक होते हैं। जब किंग सामने वाले का कम्प्लीटली कैसलिंग में होता है तब अटैक होता है, और दूसरा अटैक ऐसा होता है जब किंग सेंटर में ही होता है और शुरुआत से आप अटैक कर देते हो। जब अपोनेंट ने कैसल ही नहीं किया है तब अटैक करना है। तो ये दोनों हम स्टाइल देखेंगे। तो ये पोजीशन जो आपके सामने दिख रही है दोस्तों, सबसे पहले एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारा कोई पीस, मतलब हमारा नाइट F3 या F6 पे नहीं होता है तो हमारे लिए बहुत ही खतरा रहता है। इस पोजीशन में ब्लैक का नाइट F6 पे नहीं है, इसीलिए वाइट अटैक कर पा रहा है, जल्दी से अग्रेसिव अटैक होता है। इसीलिए मेरे हिसाब से ब्लैक को नाइट जो D7 खेला है वो पहले से F6 पे था और उसने वापस D7 पे लिया कुछ प्लानिंग करके, लेकिन उसके लिए वाइट को बहुत ही चांस मिल गया उसकी वजह से अटैक करने का। बेस्ट मूव सबसे पहले क्या है अगर आप गेम खेलते हो इस पोजीशन में, तो मेरे हिसाब से बेस्ट मूव नाइट G5 है, क्योंकि नाइट G5 H7 पे डायरेक्ट अटैक करता है और यहाँ पे मेट की एक थ्रेट है। अब ब्लैक के पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, एक तो पॉन G6 और दूसरा नाइट F6 जो H7 को सपोर्ट कर सके। F5 यहाँ पे F5 कर सकते, लेकिन F5 करने से नाइट E6 डायरेक्टली फोर्क आ रहा है, तो ये F5 पॉसिबल नहीं है, उससे भी ब्लैक लॉस हो सकता है। G6 करने से वाइट को क्या एडवांटेज रहेगा? अगर ब्लैक ने G6 किया तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव नाइट E4, देन नाइट D6 और डार्क स्क्वायर जो वीकनेस है उसके ऊपर भी काफी वाइट को फायदा होगा। तो G6 भी अच्छी मूव नहीं है, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए नाइट F6, लेकिन नाइट F6 के बाद भी वाइट का प्लानिंग रहेगा कि बिशप F4 देन प्रिवेंटिंग टू बिशप E5 और डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर वाली टैक्टिक यूज करके वाइट ये गेम जीत सकता है। काफी गजब पोजीशन में इसमें वाइट ने अटैक लिया है। अटैक पहले कैसे करना है, स्टार्टिंग अटैक का कहाँ से होता है, ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मैं एक आपको आज एक गेम भी बताऊंगा इंग्लिश ओपनिंग के बारे में। इंग्लिश ओपनिंग की एक गेम है जिसमें कैसलिंग नहीं हुआ है। व्हाइट ने जब कैसलिंग नहीं किया उसका ब्लैक एडवांटेज कैसे लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये गेम देखने के बाद आपको 3 से 4 बार ये गेम देखने की इच्छा होगी। बहुत ही मजेदार है और जो थिंकिंग कैलकुलेशन है बहुत ही जबरदस्त है। हर एक मूव के बारे में बहुत ही डीपली कैलकुलेट किया है, मैं बताता हूं आपको। चलिए देखते हैं इंग्लिश ओपनिंग की एक गेम दोस्तों। इंग्लिश ओपनिंग में सबसे पहले C4 मूव्स होता है वाइट से। C4 के सामने ब्लैक अलग अलग रिप्लाई देता है। यहाँ पे हम देखेंगे E5 का रिप्लाई वाली गेम है। E5 के बाद वाइट खेलता है नाइट C3, नाइट C3 के सामने नाइट F6 जो नॉर्मल मूव है, अभी भी कुछ नहीं बदला है। नाइट F3 ये भी बुक मूव है, ओपनिंग मूव है। नाइट F3 के सामने नाइट C6, सो जैसे 4 नाइट डिफेंस में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे। लेकिन नाइट C6 के बाद वाइट ने खेला है D4। यहाँ पे D4 ये भी नेचुरल मूव है सेंटर कंट्रोल करने के लिए। पॉन टेक्स D4, नाइट टेक्स D4 और उसके बाद बिशप B4। ब्लैक ने यहाँ पे सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन चुना Bb4। आइडिया पॉन डबलिंग करने का प्लानिंग भी है यहाँ पे। Bb4 के बाद वाइट ने नाइट टेक्स C6, ब्लैक ने Bxc6 और ये यहाँ पे एक G3 मूव जो नेचुरल मूव है, सभी लोगों को खेलना पड़ेगा, क्योंकि G3 जब तक वाइट नहीं खेलेगा कैसलिंग कैसे कर पाएगा, और क्वीन साइड कैसलिंग पॉसिबल नहीं है, पूरा ओपन फाइल है, ओपन गेम है। तो G3 ये नेचुरल मूव है और करना ही जरूरी है, लेकिन इसका फायदा ब्लैक कैसे उठाए। अब आप पहले बोर्ड के ऊपर सोचो दोस्तों कि इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। आई थिंक सभी लोगों को लगेगा कि यहाँ पे बिशप A6 इज अ बेस्ट मूव। बहुत सारे लोग मुझे बता रहे, जब भी मैं ये पोजीशन उनके सामने रखता हूँ वो लोग बिशप A6 तुरंत बता देते कि बिशप A6 इज अ बेस्ट, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है और जो ब्लैक ने गेम खेली है उसके हिसाब से भी गलत था।
ब्लैक, अगर बिशप ए सिक्स करता तो व्हाइट रिप्लाई देता है यहाँ पे क्वीन ए फोर विथ डबल अटैक ऑन बोथ साइड बिशप, और अगर ब्लैक बिशप टेक्स नाइट करता है बी टेक्स और ये क्वीन से इस पॉन को सपोर्ट मिल जाता है और ब्लैक को कोई एडवांटेज नहीं होता और उसका ये बिशप भी थ्रेट में रहता है, पैसिव बिशप हो जाएगा और इसका फायदा ब्लैक को नहीं मिल रहा है। तो बिशप ए सिक्स तो उसने प्रिवेंट किया, लेकिन उसके पहले अब ब्लैक क्या खेलेगा। बेस्ट मूव ब्लैक ने यहाँ पे खेला है क्वीन ई सेवन। देखो हर एक मूव के पीछे रीजन है, क्वीन ई सेवन क्यों, अपने बिशप को प्रोटेक्शन करने के बाद इसके बाद ब्लैक खेलेगा बिशप ए सिक्स ताकि क्वीन ए फोर का कोई एडवांटेज नहीं मिले, बिशप टेक सी फोर सिंपल मिल जाता है। यहाँ पे व्हाइट ने रिप्लाई दिया है बिशप जी टू और ब्लैक ने खेला है बिशप ए सिक्स इस गेम में। अब व्हाइट ने यहाँ पे क्वीन डी थ्री पॉन से क्वीन से पॉन को सपोर्ट किया, क्वीन डी थ्री के बाद फाइंड द बेस्ट ऑप्शन और सिंपल सबको दिखेगा डी फाइव ही है क्योंकि ऑलरेडी बिशप से ये पॉन पिन है तो डी फाइव जरूरी है। और यहाँ पे व्हाइट ने खेला है क्वीन डी फोर क्योंकि पिनिंग से बचना जरूरी है, तो क्वीन डी फोर से भी पॉन तो मिल जाता है, लेकिन सबसे पहले व्हाइट ने क्या किया है, पॉन से पॉन को सपोर्ट किया उसके बाद क्वीन डी फोर खेल सकते हैं। तो बी थ्री के बाद अब क्या होना चाहिए दोस्तों, अब बेस्ट मूव बताइए आप, ब्रिलियंट मूव है दोस्तों, बहुत ही मजा है। डी फोर सैक्रीफाइसेस क्वीन रुक डी फाइव, अब आप सोचोगे डी फोर ये तो ब्लंडर है, मैंने भी पहले यही सोचा था ये तो ब्लंडर मूव है क्योंकि क्वीन टेक्स डी फोर बिशप टेक्स सी सिक्स दो मूव पॉसिबल है। क्या होता है बिशप टेक्स सी सिक्स में, इसमें भी अगर व्हाइट बिशप टेक्स सी सिक्स करता है तो सिंपल किंग एफ एट उसके बाद बिशप टेक्स रुक, तो यहां पे बिशप टेक्स सी थ्री देन बिशप टेक्स रुक, तो ये डी फोर प्री प्लानिंग है। लेकिन व्हाइट ने रिप्लाई दिया है बिशप टेक्स सी सिक्स से पहले क्वीन टेक्स डी फोर और यहां पे बेस्ट मूव है रुक डी एट। अब ये नाइट के ऊपर प्रोटेक्शन रखना भी जरूरी है, तो यहां व्हाइट ने रिप्लाई दिया बिशप टेक्स सी सिक्स बट आफ्टर किंग एफ एट व्हाइट प्लेड बिशप डी फाइव और सबसे बेस्ट मूव अब आपको दिखेगी रुक टेक्स डी फाइव। अब देखिए आफ्टर पॉन टेक्स डी फाइव सिंपल बिशप सी क्वीन ए टू चेकमेट, क्वीन टेक्स डी फाइव पॉसिबल नहीं है और नाइट टेक्स डी फाइव भी पॉसिबल नहीं है और व्हाइट ने रिजाइन कर दी थी ये गेम। काफी अच्छी गेम थी, हो सके तो दो तीन बार देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा इस गेम में। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सी फोर इंग्लिश ओपनिंग में बहुत सारे वेरिएशन है, ऐसा नहीं कि आप यही ओपनिंग खेलो, ओपनिंग कोई भी मैं गेम बताता हूँ तो ध्यान रखो कि वो ओपनिंग खेलने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमने देखा कि पहले बिशप ए सिक्स गलत था, तो पहले बिशप ए सिक्स के यहाँ खेलना क्वीन ई सेवन जरूरी है, क्वीन ई सेवन के बाद बिशप जी टू देन बिशप ए सिक्स डी फाइव, पहले क्वीन डी फोर में कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए बी थ्री फोर्स मूव है, तो बी थ्री के रिप्लाई में आपको देना है डी फोर बिशप टेक्स सी सिक्स, ये भी हमने देख लिया कि ये भी गलत मूव है, क्वीन डी फोर इज ए परफेक्ट मूव यहाँ पे, तो क्वीन डी फोर के बाद रुक डी एट बिशप टेक्स सी सिक्स चेक देगा, फिर रुक बिशप इंटरपोज और उसके बाद रुक सेक्रीफाइस और सिंपल गेम विनिंग है। ऐसे बहुत सारे पोजिशन और बहुत सारी गेम्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ, इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों में, जो लोग बहुत इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत काम के वीडियो इसमें मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद जय गुजरात।